और फिर वो आई और कुछ अरसे बाद उनके नाना का इंतकाल हो गया जो सन्झवाल में रहा करते थे ए, उस जमाने में तो हम सन्जवाल गए साथ ट्रैवल किया तो बस तो वो सफ़र जो है वो गज़ब हो गया तो आप दोनों के लिए ट्रैवल कर रहे थे नहीं हम मेरे अब्बा भी थे <laughs> <laughs> उसके बड़े भाई बहन भी थे वो पहले से हमारे यहाँ पढ़ रहे थे वो दोनों मेडिसिन के स्टूडेंट <laughs> थे दोनों डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह तो वो दोनों भी थे और हम पांच लोग थे लेकिन वो सफ़र जो है वो तो हमारी क्या बात हुई, हुई उस सफर में क्या नज़र आया उनकी शख्सियत का क्या वो ज, वो ज़माना था जब एटीज़ की बात है ये तो उस वो जमाने में एक ही एयरलाइन होती थी इतनी जल्दी टिकट नहीं मिलते थे और ट्रेन के भी टिकट आराम से नहीं मिलती थे उस जमाने में फ़ोन की लाइन आने में भी छः छः साल लगते थे ये वो ज़माना था ओके। तो हमने यहाँ से बस से ट्रैवल किया लाहौर और फिर लाहौर से बस से ट्रैवल किया संजवाल तो वो लंबा सफ़र था और क्योंकि उम्र हम दोनों एक ही साल एक ही सन की पैदाइश हैं वो दोनों भाई बहन डॉक्टर स्टूडेंट थे तो वो तो वो अलग बैठे थे और हम दोनों साथ बैठे थे अब्बा हमारे बेचारे शरीफ आदमी वो कहीं आगे <laughs> उनको बैठे थे उनको रहा? नहीं पता था तो बस फिर वो अच्छी दोस्ती हो गई और फिर उसके बाद वहाँ पर रहे Uh, फिर ये भी हुआ कि हमको uh, होता है पता नहीं ये बातें मुझे ऑन एयर करनी चाहिए नहीं, बिल्कुल आई एम श्योर शी लाइक इट अच्छा तो फिर हमको छोड़ के हमारे अब्बा उन भाई बहनों के स्टेजेस उस जमाने वो मेडिसिन के एग्जाम्स को स्टेज कहते थे स्टेज हो रहे थे तो वो उनको ले वापस आ गए तीन चार दिन में हमारी इंटर के बाद की लंबी छुट्टियाँ चलती थी उस जमाने में एक एक साल छुट्टी होती थी तो हम उतर से वहीं रहे और फिर उससे हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और जो कि फिर मैं आ गया यहाँ पे क्योंकि उनकी वालदा और वालिद वगैरह कोयत से पहुँच रहे थे उसी इंतकाल के सिलसिले में तो उनको चार पाँच दिन लगे जब वो वहाँ पहुँचे तो फिर मैं वहाँ से कट लिया तो फिर okay. फिर जब मैं कराची आ गया तो आई रियलाइज कि आई वॉज रियली मिसिंग है तो फिर जब वो आई तो फिर हमारा का शुरू हो गया <laughs> तो में समाज था या बहुत थे। हर समाज मैं तो बड़ी नहीं लेकिन मेरी वालदा और उनकी उनके वालिद जो आपस में सगे भाई बहन थे असल में देखो ना बात क्या उन लोगों का भी कसूर नहीं था हम लोगों ने भी इंटर किया था हम अठारह अठारह साल के बच्चे थे आप शादी करना चाह रहे थे फौरन फ़ौरन तो नहीं लेकिन हमारे हम मिडिल क्लास एक घराने के मिडिल क्लास सोच के लोग थे कोई इतने ओपन माइंडेड नहीं थे तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ को बड़ा मायूब समझा जाता था, था। तो वो उन लोगों से हजम नहीं हो रहा था बिल्कुल तो दोनों तरफ से ऐलान ये था कि हमारी लाश पे अगर होगी तो होगी शादी लेकिन हम दोनों फिर डटे रहे डटे रहे और फिर हमारी इस डिटाई को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिर आहिस्ता से मतलब कुछ अरसे बाद जाके हो गया फिर उसके बाद शादी शादी भी कितनी 94 में शादी हुई मेरी okay. और ये चल रहा था जिस तरह 88 से oh, wow. 6 तो साल तक हमने माशाल्लाह आपने हाँ, एक हाँ, डटे रहे, आप रहे हैं बिल्कुल साबित कदमी का फाइनली हाँ, फल मिल गया फल मिला फल, मिला, फल मिला तो uh, क्लास नाइन को पढ़ाते थे आप जी कभी आपने सोचा नहीं था एक्टिंग या डायरेक्शन की तरफ जाएंगे नहीं मैं एक्टिंग तो करता था उस जमाने में भी थिएटर में करता था मैं अच्छा। एक तहरीक नस्वा एक थिएटर ग्रुप है जी। शीमा किरमानी और खालिद अहमद साहब उस जमाने में थे वो चलाते थे तो हम उनके साथ थिएटर बल्कि स्कूल से ही मैं हमारे एक दोस्त थे खुरम शफीक साहब वो खालिद साहब के लिए लिखा करते थे वो अभी भी लिखते हैं बड़ी किताबें लिखी उन्होंने तो अभी भी हमारे दोस्त हैं वो मुझे ले गए थे कि तुम जिस तरह के हो तुम्हें थिएटर करना चाहिए hmm. और मुझे थिएटर बहुत फैसिनेटिंग लगा था मतलब okay. पहली और फिर उसके बाद मैं थिएटर ही करना चाहता ना मेरा कोई इरादा नहीं था टी वी करने का लेकिन फिर नाइन्टी uh, में हमें एक uh, ट्रेनिंग uh, का मौका मिला यू के का एक प्रोग्राम था इट वॉज़ कॉल्ड पोर्ट्रियल ऑफ़ वेमेन इन मीडिया थिएटर की वजह से ही आपको मिला तो वो उन्होंने थिएटर के ऐसे लोगों को लिया था जो कि ऑलरेडी औरतों की बहबूद के okay. लिए या औरतों की इन्लाइटमेंट के लिए काम कर रहे थे थिएटर में जिसमें सानिया और शाहिद और आयशा साब ये तीन आए थे कथा से मैं इतशाम और हमारी एक और दोस्ती थी वो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया ऑस्ट्रेलिया चली गई नीलोफर वो थी और तीन लोग एक कॉन्शियस प्रोमोटर्स एक एनजीओ है वो भी थिएटर करते थे कोयटा में वो वहाँ से आए थे तो हम नौ लोगों ने एक साथ पढ़ा है हम क्लास फेलोज हैं गे, मैं सानिया शाहिद एर शाम हम लोग उस जमाने के मज़ा आता होगा कंपटीशन बड़ा होता होगा क्लास में नहीं कॉम्पटिशन uh, हाँ मतलब उस वक्त उस वक्त तो हमारी आंखें खुल रही थी हम देख रहे थे अच्छा ये काम कैसे होता है और फिर कैमरा सीखा हमने हमें उस बड़े अच्छे मिले ये कोर्स डिज़ाइन किया था असलम मज़हर साहब ने जो पी के फाउंडर थे और पी के अब्बा माने जाते हैं आज तक असलम मज़हर साहब हमारे साथ हर क्लास में क्लास भी लेते थे फिर हम उनके साथ उनके घर चले जाते थे okay. और फिर रात देर तक उनके घर पे रहते थे तो हमने वो तो एक हाँ वो क्लास एक में बिल्कुल बिल्कुल okay. तो वो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी फिर वो एक्चुअली okay. हो तो एक क्राश कोर्स था शायद तीन महीने का okay. फिर उसके बाद पाँच साल तक ये प्रोग्राम चलता रहा और उसके अंदर फिर वो मुख्तलफ़ लोग आते थे एडिटिंग वाले फिर नॉन लीनियर एडिटिंग आ गई तो वो नॉन लीनियर एडिटिंग के लिए गोरा आया हमें सिखाने के लिए

इमरान असलम और उनके भाई छोटे जिनका भी इंतकाल हो गया टीटो तलत असलम ये बैठा करते थे तीन लोग वरना कोई ऐसा प्राइवेट चैनल था नहीं तो हम बहरहाल कोशिशों में लगे रहे खालिद साहब को असिस्ट किया मैंने एक सीरियल था फैसला उसमें लेकिन उस वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि उस जमाने में ये बात भी पता नहीं और करनी चाहिए <laughs> कि नहीं लेकिन उस जमाने में ख़ालिद साहब ने कुछ शोज़ होते थे ना जो ड्रामा चलता था तो इंडस विजन आया उसका पहले पहले सीरियल में से एक फ़ैसला भी था उसका शो हुआ तो खालिद साहब ने उसके अंदर कहा कि जी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तो सैफ हसन साहब ने हमें रुला मारा उसके अंदर मुझे याद है कि पहले सीन और दूसरे सीन में कंटिन्यूटी का ज़बरदस्त जम था नादिया जमील और अदनान जिलानी कुछ कपड़े पहने बैठे हुए क्लास में थे और कुछ और कपड़ों में वो बाहर खड़े गोला खा रहे थे तो लेकिन बार वो एक्सपीरियंस था सीखने का आ, सीखने का का टाइम टाइम आप शुक्र करें उस वक्त वक्त इस होता हाँ, तो <laughs> फिर तो फिर क्या सही बात है खालिद साहब के बहुत हम लोग खालिद साहब हमारे उस्ताद हैं आज तक और उनसे बहुत कुछ सीखा जिंदगी में उनके काम की छाप भी हमारे कामों में मेरे शाम के मुस्तफ़ा के हम सब के कामों में खालिद साहब नजर आते हैं तो टीचिंग छोड़ दी थी फिर उस वक्त आपने टीचिंग फिर मैंने आता छोड़ी एकदम से नहीं छोड़ी लेकिन ये कि पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था स्कूल पढ़ाता था मैं बड़ा टफ़ लाइफ थी मेरी मैं सुबह निकलता था स्कूल जाता था स्कूल के बाद मैं स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता था फिर उसके बाद मैं थिएटर करने जाता था फिर मैं रात को दस बजे घर पहुंचता था फिर पहले ट्यूशन छोड़ा फिर स्कूल भी छोड़ दिया फिर थिएटर और फिर ये एडिटिंग का काम शुरू कर दिया मैंने मुझे जितने पैसे वहाँ से मिलते थे उससे ज़्यादा पैसे एडिटिंग में मिलने लगे सन दो में मुझे सुल्तानापा ने बतौर एडिटर के हायर कर लिया हाँ और मैं बहुत अच्छी तनख्वाह थी पता है कितनी थी पच्चीस हजार रुपये तक आता था ये अच्छी उतरी हजार है बिल्कुल okay.